के 6 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई एसीबी के द्वारा की गई है। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि न्यूज पेपर लीक मामले में जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है। नीट परीक्षा में सिस्टमैटिक चूक नहीं, ऐसी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस नीट को लेकर ये परीक्षा निरस्त की जाए, परीक्षा खारिज की जाए, इसकी मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को, इस ये जो याचिका थी इसको लेकर फैसला आ गया। उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि नीट परीक्षा सिस्टमैटिक चूक इसमें नहीं हुई थी, लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था, बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की जो घटना नीट मसले में हुई थी, जो 5 मई को जिस नीट की परीक्षा देश भर में हुई थी, मेडिकल की परीक्षा है ये, और उसके बाद आपको बता दें इस पर बवाल मचा, जैसे ही रिजल्ट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ कई बार रुख किए और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला भी सुनाया। लेकिन सबसे जो जुड़ा, सबसे अहम जो फैसला था कि क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से दोबारा कराने की याचिकाओं पर सहमति भरता है, उनके पक्ष में ये डिसीजन देता है कि नहीं देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए कह दिया कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट जो परीक्षा थी वो सिस्टमैटिक वे से हुआ, सिस्टमैटिक चूक नहीं थी, जो लेवल था केवल हजारीबाग और पटना तक ही ये सीमित था, लीक का बड़े पैमाने पर इसमें कोई लीक नहीं हुआ है, ऐसी बड़ी बात नहीं।